ये पापा मजदूरी करने के लिए घने जंगल के उस पार जा रहे हैं। तभी इनकी बिटिया रानी दौड़ते हुए आती है और इनका हाथ पकड़ कर बोलती है, पापा आप अंधेरे में घूमना नहीं। ये सुनते हैं इनके आंख में आंसू आ जाते हैं और ये बोलते हैं, बेटी आप घूमने नहीं। और अपने बिटिया रानी से हाथ छुड़ा कर रोते हुए काम पे चले जाते हैं। उसके बाद ये लड़की दौड़ते हुए अपने घर आती है और मोमबत्ती लेकर फिर जंगल में जाती है और जलाती है, लेकिन तेज हवा के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। तो ये अपनी और अपने पापा का चित्र पेड़ पे बनाती है और जंगल में ही बैठकर अपने पापा के आने के इंतजार करने लगती है। तभी इसे ढूंढते ढूंढते इसकी माँ इस जंगल में पहुँचती है और इससे पूछती है कि बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ये बोलती है, माँ चाचा एक बार अंधेरे में गुम गए थे और पापा भी हर रोज अंधेरे में ही काम करके आते हैं। उसके बाद ये माँ ये सारी बातें पेप्सी टीम को बताती है। उसी घंटे में पेप्सी टीम सारे जंगल को लाइट से सजा देती है। फिर पापा काम करके आ रहे थे, पेड़ पे बने चित्र अपनी और अपनी बिटिया रानी के जैसे ही देखते हैं इनकी आंख से आंसू टपकने लगते हैं और ये लड़की दौड़ते हुए आकर अपने पापा के सीने से लग जाती है। दोस्तों इस बिटिया रानी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।